नाज़रीन, शमीम लाइव में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे सामने 135 नंबर वार्ड के 9 मुंतखब काउंसिलर मोहतरमा रुबीना नाज हमारे सामने हैं। जीत के बाद वो क्या महसूस कर रही हैं, उनसे हम लोग कुछ सवालात करेंगे, कुछ सियासी और कुछ सामाजिक सवालात भी होंगे। मोहतरमा शमीम, लाइव में आपका खैर मकदम है। आप जीत के आई, बहुत ही कांटे की टक्कर थी यहाँ पे, ऐसे में आप जब जीत के यहाँ पे आई तो आपको क्या महसूस हो रहा, पहला रद्द अमल आपका क्या है? जी, बहुत खुशी हो रही है कि लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया कि मैं अपने उसको, अपनी खुशी को वर्ड से तो मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत खुशी है इस चीज़ की। तृणमूल कांग्रेस के यहाँ पे जो कैंडिडेट थे, आप एक आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से यहाँ पे कामयाब हुए, तो ये एक कांटे की टक्कर थी आपके लिए जी। तो इसके लिए किस तरह का मेहनत करना पड़ा आपको, आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि उनके लिए आप आने वाले दिनों में क्या काम करेंगे? मेहनत तो वाकई में बहुत करना पड़ा, इसलिए वो जो टीएमसी से थे हम लोग इंडिपेंडेंट थे, लेकिन लोगों से इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिला कि इस चीज़ का यकीन था कि इंशाल्लाह कामयाबी हम लोगों की ही होगी, क्योंकि हम लोग खुद भी टीएमसी ही करते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे अब्बा जी जो हैं वो, और हम लोग टीएमसी फैमिली से आज से नहीं, हम लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। हाँ, मेरा जो पहला इलेक्शन था 2010 में था, उस टाइम मैंने टीएमसी से ही पहली बार जो है वार्ड में लड़ी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम जीत हासिल हुई थी। फिर 2015 में मैंने सेकेंड इलेक्शन लड़ा, तो उस वक्त हार का सामना करना पड़ा हम लोगों को, और जो कांग्रेस से लड़ी थी उनको जीत हुई थी, तो उन्होंने कुछ दिन बाद टीएमसी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ये अभी 2021 इलेक्शन में, जिसके वजह से हम लोगों को टिकट नहीं मिली, इसी वजह से हम लोगों ने इंडिपेंडेंट लोगों के डिमांड पे, लोगों मतलब हज़ारों की तादाद में मेरे वहाँ घर पे लोग आके बोले कि आप लोग फिर से आइए, इलेक्शन लड़िए, इंडिपेंडेंट खड़े हुई, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग फिर से इलेक्शन लड़े और लोगों का प्यार, लोगों के साथ की वजह से कामयाब भी हुए। आप जीत कर आई हैं, अब पहला दो काम क्या करेंगे, आपके जहन में क्या है? पहला दो काम तो सबसे पहले है एजुकेशन। हाँ, हम लोगों को पहला काम एजुकेशन के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है यहाँ पे, तो कोशिश यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ तालीम याफ्ता हो, तालीम हासिल करें, क्योंकि आने वाले कल में अगर एजुकेशन रहेगा तो ही आप हर चीज़ आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए पहला काम होगा एजुकेशन के लिए, और दूसरा काम होगा एक पार्क इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे। तो मैडम, जैसा कि आप जानती हैं, आपने आपके सामने जो थे कॉम्पिटिटर वो भी काफ़ी टफ थे आपके लिए, ठीक है, आप जीत गई, तो आवाम ने आपको चुना है, तो आवाम की जो एक्सपेक्टेशन है, चाहत है, वो आपसे क्या चाहते हैं, तो उनको आप किस तरह फुलफिल करेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए, एक काउंसलर का जो काम होता है, रास्ता, लाइट और ड्रेन, साफ सफाई, वो सब तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी सबसे मेन फोकस होगा हम लोगों का एजुकेशन के लिए, रोज़गार के लिए। तो इस हम लोगों ने इसके लिए बहुत सारे एनजीओ से राफ्ता किया है, और उन लोगों से मिल के हम लोग चाहेंगे कि आने वाले फ्यूचर में एजुकेशन है जो, और रोज़गार जो है उसके ज़रिया आगे बढ़ाया जाए काम को, वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए हम लोग चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओ से जो हम लोग जुड़े, और इसके ज़रिए हम लोग लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। मैडम, इस वक्त जैसा कि आप जानती हैं कि ममता बनर्जी कही है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, तो इस बारे में अगर बाद में आपके पास कोई मैसेज आता है तृणमूल के जानिब से, तो आप क्या करेंगे उस वक्त?
फिलहाल कोई रास्ता नहीं है, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि हम बाकी उम्मीदवारों को अपने पार्टी में जम करने नहीं देंगे, शामिल नहीं करेंगे। तृणमूल कांग्रेस जो देखिए एक बहुत बड़ी फैमिली है, और इस फैमिली से हम लोग आज से नहीं 20 साल से जुड़े हुए हैं। तो दीदी का डिसीजन को हम लोग सराहते हैं और वेट करते हैं। हम लोग ऐसा काम करेंगे कि दीदी एक बार खुद चाहेंगी कि हम लोग भी उन लोगों के तृणमूल में ज्वाइन कर पाए, तो अपने काम के थ्रू दीदी से अपील करेंगे कि हम लोगों को भी ज्वाइनिंग दे दीदी। आपके इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो माजूर हैं, बेवा हैं, उनके लिए आप क्या स्कीम्स बनाई हैं? देखिए ये हम लोगों का लिस्ट आ चुका है, ये हम लोगों ने मंगाया है, इसमें कितने लोगों को मिलता है और कितने लोगों को जो डेट कर गए हैं जो, तो ये सारा लिस्ट हम लोगों ने अभी इकट्ठा किया है। धीरे धीरे हम लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। दौरे सरकार कैंप के ज़रिया हम लोग जो है काम करेंगे, उसमें ओल्ड एज बेवा पेंशन जो है वो अच्छा, और वो सारा जो काम है धीरे धीरे हम लोग एक प्लानिंग के थ्रू स्टार्ट करेंगे। पहला कैंप हम लोग का लगेगा 9 जनवरी को और मौलाना आज़ाद में। लेकिन सवाल है कि दोबारा सरकार तो टीएमसी का प्रकल्प है, तो आप उस प्रकल्प को कैसे अपने ये में शामिल कर सकती हैं? हम लोग देखिए पुराने टीएमसी है, और टीएमसी के ही हम लोग आज से नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है बहुत सालों से हम लोग टीएमसी से काम कर रहे हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह अपील करेंगे, मिल के काम करेंगे। आप दो काम क्या करेंगे अपने इस वार्ड में, आप अपने वार्ड के लोगों को इस बारे में बताएं। पहले दो काम हम लोगों का मेन फोकस है यहाँ एजुकेशन का लेके। पहले हम लोग करना चाहेंगे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के लिए, जो यहाँ बहुत नीड है बच्चों के लिए, बहुत ज़रूरी है। और दूसरा होगा बच्चों के लिए ही पार्क हम लोग सोच रहे हैं कि जहाँ बच्चे खेल पाए, ये दो काम पहला रहेगा हम लोगों का, माने पार्क हाँ, और एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल एक। आप जीत कर आई हैं तो ऐसा क्या मंसूबा है जिससे आप नौजवान बच्चों और बच्चियों को तालीम से भी जोड़े और रोज़गार से भी जोड़े, इस बारे में आपने क्या मंसूबा और प्लान बनाया है? फ्री कंप्यूटर कोर्स है, स्पोकिंग इंग्लिश है, अच्छा स्किल डेवलपमेंट का काम है, टेलरिंग है गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, अच्छा ये सारा जो है हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, और इसमें और आने वाले कल में ऐड करेंगे हम लोग के और भी जो कोर्सेस हो इसमें ऐड करें, ताकि बच्चों को लड़कियों को रोज़गार के लिए आसानी हो, आगे बढ़ने में आसानी हो। Thank you.